वेलकम बैक वंस अगेन। अब आपको बताएं कि पंजाब समेत लाहौर में सरकारी सतह पर मजदूर की यौमिया उजरत में इजाफा कर दिया गया। तेज़ी से बढ़ती महंगाई में रोज़ाना की उजरत में 70 रुपये से 150 रुपये तक का मामूली इजाफा करके मजदूर तबके को तसल्ली देने की कोशिश की गई है। लाहौर से अंस जफर रिपोर्ट कर रहे हैं। महकमा खजाना पंजाब की जानिब से मजदूरों की यौमिया उजरत में इजाफा किया गया है। क्या इस यौमिया उजरत में इजाफे के बायस उनकी जिंदगी पर कोई असर पड़ेगा, आइए उन्हीं से जानते हैं। पंजाब में अब मजदूर को एक दिन की दिहाड़ी 1060 रुपए मिलेगी। लाहौर में सरकारी सतह पर मजदूर की उजरत में 85 जबकि पंजाब के दीगर अजला में 70 रुपए का मामूली इजाफा कर दिया गया। हुनरमंद मजदूर की सरकारी सतह पर एक दिन की उजरत में 150 रुपए इजाफे से यौमिया उजरत 1450 रुपए हो गई, जबकि माली की रोजाना की उजरत में 102 रुपए का इजाफा हुआ जिससे उसकी यौमिया उजरत 1075 रुपए हो गई। यौमिया उजरत में इजाफे के बावजूद मजदूर आला हुकाम से गिला करते नजर आ रहे हैं। इससे तो बहुत कम फर्क पड़ेगा क्योंकि महंगाई बहुत हो चुकी है ना। दूरी अभी बड़ी है लेकिन मिली नहीं है, किसी को मिलती भी नहीं है। पहले से भी कम मिलती है, ठेकेदार लेने आते हैं, हमारी मजदूरी 1300 रुपया है लेकिन 1200, 1100, 1900 में मजदूर भूखे मरे तो जाते हैं। जो 85 रुपया उजरत बड़ी है उसमें तो कोई फायदा ही नहीं है, उसमें तो एक वक्त का खाना भी नहीं आता। जितनी महंगाई है उसके हिसाब से तो दिहाड़ी बढ़नी चाहिए। बढ़ती हुई महंगाई के पेशे नजर मजदूर तबके ने उजरत में इस मामूली इजाफे पर हुकामे बाला से गुजारिश की है कि कम अज कम उजरत में इतना इजाफा तो किया जाए जिससे वो आसानी अपनी जिंदगी का पहिया चला सकें। कैमरामैन साद नवीद के साथ अंस जफर समा, लाहौर।